फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मिल्क बादाम। फ्रेंड्स, ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे बना के चिल्ड करके पीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने गैस के ऊपर रखा है 2 लीटर दूध, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये 2 लीटर दूध रखा है गैस के ऊपर, गैस ऑन कर दिया। अभी अब थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे। इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। देखिए, इसे 10 मिनट मैंने और पका लिया है, इसे मैंने कुल 20 मिनट पकाया दूध को। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। फ्रेंड्स, ये 4 से 5 चम्मच चीनी की है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें डाल के इसको हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए, इसे 2 मिनट हो गए पकते हुए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे, अभी हम थोड़े से दूध में वनीला कस्टर्ड डालेंगे 2 चम्मच। और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको दूध में मिक्स कर लिया वनीला कस्टर्ड को, अभी हम उसमें मिक्स कर देंगे और इसे हिलाते हुए मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से, और इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी बादाम। फ्रेंड्स, देखिए, ये रात को मैंने भिगो के रखे थे और इसका मैंने छिलका निकाल लिया, इसको छोटे छोटे पीस में काट लिया। और साथ में मैंने लिया है किशमिश, अगर आपके पास सोगी हो तो सोगी भी ऐड कर सकते हैं। चलिए इसमें बादाम ऐड कर देते हैं। साथ में हम डालेंगे किशमिश। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे इस तरह से हिलाएंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे। अभी हम इसको रखेंगे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। ये ठंडा हो चुका है, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इसको हम ग्लास में डालेंगे। अभी हम इसके ऊपर थोड़े से बादाम ऐड करेंगे। देखिए, बन गया मिल्क बादाम। आप भी इसे जरूर बना के पीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।